नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेस्तरार में। देश में सोमवार यानी कि 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कानून की ये संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटाई गई हैं तो कुछ नई धाराएं इनमें जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद अब पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा। वो मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई भी असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। अदालतों में पुराने मामलों में पुराने कानून के तहत ही सुनवाई की जाएगी। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जाँच और सुनवाई होगी। अपराध के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं को पढ़ना पड़ेगा। लॉ के छात्रों को भी अब अपना ज्ञान अपडेट करने की जरूरत है। बदल गए न्याय संहिताओं के नाम क्या क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC अब हुआ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC अब हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS। इंडियन एविडेंस एक्ट अब हुआ भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई अहम बदलाव किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता CRPC यानी कि उसमें 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो और वीडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने को अहमियत दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था भी है। कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे। इसे 15 दिन के अंदर उस जगह पर यानी कि जहां पर ये अपराध हुआ है उस क्षेत्र में भेजना भी अनिवार्य होगा। सरकारी अधिकारी या फिर पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। यदि इजाजत नहीं दी जाती है तो उसे भी सेक्शन माना जाएगा। FIR दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिनों के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे। केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के अंदर तक अदालत को फैसला सुनाना होगा। इसके बाद 7 दिनों में फैसले की कॉपी उपलब्ध करानी पड़ेगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ लिखित में जानकारी भी देनी होगी। महिलाओं के मामले में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में पीड़ित महिला का बयान दर्ज करना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा 14 धाराएं खत्म की गई हैं और 9 नई धाराओं को और 39 उपधाराओं को जोड़ा गया है। अब इसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किए जा सकेंगे। आपको बता दें, सन 2027 से पहले देश के सारे कोर्ट कंप्यूटराइज्ड कर दिए जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA में एक बड़ा परिवर्तन आया है, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। अब तक इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी। अब नए कानून में 6 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। इस अधिनियम में 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। दस्तावेजों की तरह इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि से मिलने वाले साक्ष्य यानी कि प्रूफ शामिल होंगे। भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में जो बदलाव हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। IPC में जहां 511 धाराएं थी वही BNS में 357 धाराएं हैं। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध को किन धाराओं में रखा जाएगा, किस श्रेणी में रखा गया है वो आपको बताते हैं। इन मामलों को धारा 63 से लेकर 99 तक में रखा गया है। अब रेप या बलात्कार के लिए धारा 63 होगी। दुष्कृत्य की सजा धारा 64 में स्पष्ट की गई है। सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप के लिए धारा 70 है। यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग से रेप या गैंगरेप के मामले में अधिकतम सजा फांसी होगी। फांसी का प्रावधान इसमें किया गया है। दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना को धारा 79 और धारा 84 में परिभाषित किया गया है। शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने के अपराध को रेप से अलग रख दिया गया है। मॉब लिंचिंग को लेकर भी नया प्रावधान अब देखने को मिल रहा है। मॉब लिंचिंग को अपराध के दायरे में लाया गया है। इन मामलों में 7 साल की कैद, आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान किया गया है। चोट पहुंचाने के अपराधों को 100 से लेकर धारा 146 में परिभाषित किया गया है। हत्या के मामले में अब सजा धारा 103 के तहत की जाएगी।
यानी कि अब से 302 नहीं 103 धारा लगाई जाएगी। संगठित अपराधों के मामले में धारा 111 में सजा का प्रावधान है। आतंकवाद के मामलों में टेरर एक्ट की धारा 113 में परिभाषित किया गया है। मैरिटल रेप, इन मामलों में यदि पत्नी 18 साल से अधिक उम्र की है तो उससे जबरन संबंध बनाना मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। यदि शादी का वादा करके कोई व्यक्ति आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर वो वादा पूरा नहीं करता तो इसमें अधिकतम सजा 10 साल की होगी। राजद्रोह की अगर बात करें तो BNS में राजद्रोह के मामले में कोई अलग से धारा नहीं है, जबकि IPC में राजद्रोह कानून है। BNS में ऐसे मामलों को धारा 147 से 158 में परिभाषित किया गया है। इसमें दोषी व्यक्ति को उम्र कैद या फांसी का प्रावधान है। मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है। इसमें दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान है। चुनावी अपराध, चुनाव होते हैं तो कई बार आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि चुनाव में धांधली की जाती है। अब ऐसे में इसको लेकर भी एक प्रावधान देखने को मिल रहा है। चुनाव से जुड़े अपराधों को धारा 169 से 177 तक रखा गया है। 1 जुलाई यानी कि आज से देश में कुछ ये बड़े बदलाव होने हैं जिनकी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। अब इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।